नमस्कार, नए साल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इस बार जश्न नहीं, अनुशासन आवश्यक है, बेहद जरूरी है। कोरोना की रफ्तार लगातार डरा रही है, लेकिन अगर हम तस्वीरें देखें तो शिमला से लेकर गोवा तक जो हालात हैं वो असल में डराने वाले हैं। नए साल के जश्न के लिए सैलानियों की बड़ी भीड़ तो उमड़ी है, लेकिन इन्हें कोरोना की परवाह है या नहीं वो आप इन तस्वीरों में देखें कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर या प्रोटोकॉल जो सरकार बोल रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं, जिसका पालन होना चाहिए, देखिए वो पालन हो रहा है या नहीं। लगता है जान पर जश्न भारी पड़ गया है। ना कोई कोरोना का डर, ना कोई प्रोटोकॉल की परवाह। नए साल पर है टूरिस्ट प्लेस सैलानियों से भरे पड़े हैं। क्या शिमला, क्या मनाली, क्या सोलन और क्या डलहौजी, क्या जयपुर, क्या जैसलमेर और क्या गोवा, हर तरफ जश्न ही जश्न है, भीड़ ही भीड़ है। नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी शिमला में सैलानियों का सैलाब उमड़ आया है। मॉल रोड खचाखच भरी है, मानो यहाँ दो गज की दूरी और मास्क जरूरी की नसीहत काम नहीं कर रही। तो हम बर्फ देखने के लिए ही आए हैं, यहाँ पे हम न्यू ईयर मनाएंगे और मस्ती करेंगे, लेकिन यहाँ पे बर्फ तो अभी नहीं है। शायद उम्मीद है कि हम नए साल पे वो बर्फबारी तो एंजॉय करेंगे। ले रहे हैं सभी यहाँ की, तो पब्लिक भी काफी अवेयर है, मतलब आप मास्क भी नीचे करके चलेंगे तो यहाँ पे लोग पहुँच सकते हैं। मनाली में भी नए साल का वेलकम करने के लिए सैलानी टूट पड़े हैं। मॉल रोड का हाल देख लीजिए, क्या कहीं से लगता है कि इन्हें कोरोना की परवाह भी है। आइसक्रीम खाए थे ना, इसीलिए बस, हम तो मास्क पहनने ही हैं। कुछ नहीं, मास्क पहने एंजॉय करें और क्या, एंजॉय करना अपनी जगह, लेकिन सेफ्टी अपने हाथ में है। मास्क पहनेंगे अपना खुद का सेफ्टी, और कोई बात नहीं है। होंगे रश होंगे, पर न्यू ईयर को लेके इतना क्राउड देख के मतलब अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है। ओमिक्रॉन का ऐसे आप लोग जान रहे हैं कि ओमिक्रॉन का केसेस बढ़ रहा है, तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि इतना सारा क्राउड है, मे बी हम लोग भी इफेक्ट हो सकते हैं उससे। तो हम लोग ऐसे अपना लेके चल रहे हैं कि यहाँ मास्क पहनना है। भीड़ भाड़ तो बहुत है और थोड़ी सी डर भी लगती है ना, बहुत दूर आए हुए घर से, तो और यहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो थोड़ा डर लगता है। पुलिस लगातार मास्क लगाने की अपील कर रही है। जब लोगों ने अपील को अनसुना किया तो पुलिस को चालान का सहारा लेना पड़ा। डलहौजी का हाल भी कुछ अलग नहीं, यहाँ के सभी होटल्स सैलानियों से फुल हैं, सड़कों पर लोगों का सैलाब उतर आया है। हिमाचल के पहाड़ों पर सैलानियों के आने का सिलसिला भी जारी है। सोलन हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आलम यह है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। यहां पुलिस मास्क ना पहनने वालों पर नजरें गड़ाए हुए है। उत्तराखंड के औली में जमाने वाली ठंड है, लेकिन नए साल के जश्न के लिए उमड़ी भीड़ से माहौल गर्म हो गया है। प्रशासन की चिंता यही है कि कोरोना के नियमों का पालन कराएं तो कैसे। नए साल पर गोवा सैलानियों का जमघट बनता ही है। पाबंदियों के बावजूद इस बार भी गोवा में सैलानियों की भारी भीड़ है, होटल कैसीनो गुलजार है। प्रशासन और पुलिस लगातार सैलानियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं। गोवा में कोरोना के 261 नए केस दर्ज किए गए हैं, इससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। अरे जितने भी टूरिस्ट आए हैं, देश से आए हैं, विदेश से आए हैं, सबका स्वागत करता हूं। सब गोवा में अच्छी तरह अपने न्यू साल न्यू ईयर्स को मनाएं। इस चीज के लिए गोवा पुलिस ने अपने सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि हम इंजॉयमेंट करें, लेकिन इंजॉयमेंट विथ फॉलोइंग द कोविड प्रोटोकॉल करें। जो भी आज के तारीख में कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है उसको फॉलो करें। नए साल के जश्न के लिए गुलाबी शहर जयपुर और गुलाबी होता जा रहा है। यहाँ जश्न के आगे कोरोना का डर काफूर नजर आता है। हवा महल पर सेल्फी लेने, फोटो खिंचवाने के लिए सैलानी उमड़ पड़े हैं। जयपुर का एल्बर्ट हॉल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग सेल्फियाँ खिंचवाना चाह रहे हैं और गुटों में यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं।
अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले 500 को क्रॉस कर चुके हैं। एक बार फिर से तीसरी लहर या अगली लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसके कुल मामले राजस्थान में 60 को पार कर चुके हैं, पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। यही हाल अल्बर्ट हॉल का भी है, यहाँ भी कोरोना के कोई कायदे कानून नजर नहीं आते। राजस्थान के टूरिस्ट प्लेसेस उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर के साथ जैसलमेर का हाल भी ऐसा ही है। नए साल के स्वागत के लिए जैसलमेर में भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। पूरा शहर पर्यटकों से गुलजार है। सुबह सुबह ही सोनार दुर्ग, फोर्ट पार्किंग शहर की हवेलियों वाले मोहल्लों में कदम रखने तक की जगह नहीं रहती। टूरिस्ट प्लेस ही नहीं, बड़े बड़े शहरों का हाल भी ऐसा ही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन सड़कों, बाजारों में लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही। सोलन से राजेश शर्मा, जयपुर से देवांकुर और गोवा से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। हैरानी सिर्फ सैलानियों की भीड़ की नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल रैलीज की भी है। एक तरफ तो कोरोना का नंबर बढ़ रहा है, पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में रैलियां भी जोर शोर से हो रही है, उसमें कोई कमी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब तो चुनाव आयोग ने भी ऐलान कर दिया है कि चुनाव नहीं टाले जाएंगे, मतलब कोरोना और चुनावी रैलियों में रेस लगभग तय है। बड़ी अजीब दास्तां है, कोरोना की तीसरी लहर का आगाज हो रहा है। नियम कानून, कोरोना प्रोटोकॉल सख्त हो रहे हैं। मेट्रो से लेकर बाजारों में पाबंदियों की नई किस्त लागू हो रही है। दो गज की दूरी, मास्क जरूरी के नारे फिर से हवा में तैर रहे हैं। लेकिन चुनावी भीड़ इन सब से जुदा है। यहाँ ना कोई एक्शन है, ना गाइडलाइन है, ना कोई पाबंदी है। लगता है सिस्टम ने नहीं, कोरोना ने ही रैलियों से मुंह मोड़ लिया है। अब तो चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि कोरोना के आगे झुकेगा नहीं। आखिर लोकतंत्र की जीत का सवाल जो है, चुनाव तो होकर रहेगा। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। दरअसल चुनाव से किसी को दिक्कत भी नहीं है, ना ही सरकार को और ना ही सियासी दलों को। सब चुनाव चाहते हैं, और जब चुनाव है तो रैलियों से परहेज कैसा? आखिर जनता का पर्व जो है। रैलीज और उस पर गैदरिंग्स को लेकर तो नहीं अभी कोई इंस्ट्रक्शन इस तरह से आई है कि उस पर रोक लगाई जा सके, या फिर रैलीज और गैदरिंग्स है वो वर्चुअल मीटिंग के थ्रू की जाए, कुछ इस तरह के वो तो निर्देश तो नहीं आए आज तक? ऐसा कोई नहीं है। रैलीज के मुताबिक जो भी है, इलेक्शन कमीशन का जब MCC वगैरह लागू होता है उस समय हम लोग फिर देखेंगे, लेकिन उस समय तक जो भी नियम कानून है स्टेट गवर्नमेंट अपना एजेंसीज देखते हैं और उसके हिसाब से हम भी उन्हीं का गाइडलाइंस का फॉलो करते हैं। खेल अजीब है, सियासी दल गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल रहे हैं और आयोग पार्टियों को पार्टी बना रहा। देखिए, कल से हम लगातार समय मांग रहे हैं चुनाव आयोग से, अब तक समय न मिलना अपने आप में भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि समयबद्ध तरीके से चुनाव हो, निर्भीक तरीके से चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, और कोविड के नियमों का पालन करते हुए कि महामारी किसी को उस चपेट में ना ले, उन सारे नियमों का पालन करते हुए समय से चुनाव हो, ऐसी कांग्रेस पार्टी की मांग है। चुनाव तय है तो तीसरी लहर भी तय है। आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है, कम्युनिटी स्प्रेड भी शुरू हो चुका है, लेकिन डरना नहीं है, चुनाव जरूरी है। और चुनाव है तो बिना रैली कैसे काम चलेगा? नीति बनाने वाले बस नसीहत झाड़ते रहे। So elections are happening, but clearly with the number of cases that are rising, we are seeing that the politicians themselves are flouting the rules. I have explained to you, and Dr. Shrilab Agarwal ji has explained to you the framework of responsibilities of the people, expectations of all of us from all of us.
सोचिए कोरोना की तीसरी लहर पीक पर हो, सड़कों पर सन्नाटा हो, बाजार बंद हो, बस ट्रेन पर ब्रेक लगी हो और रैलियों में हजारों की भीड़ जमा हो, आखिर सवाल लोकतंत्र बचाने का जो है, जान जाए चुनाव न जाए। लखनऊ से संतोष शर्मा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा और दिल्ली से मोहित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के नए मामले चिंता में डालने वाले हैं। देश के तीन बड़े महानगरों की अगर बात करें, राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई और कोलकाता, कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और यह खतरनाक रूप ले रहे हैं। ऐसे में डर यह है कि कहीं नए साल का जश्न कोरोना विस्फोट बनकर ना फूट पड़े। 2021 का आज आखिरी दिन है। अमूमन आज के दिन लोग पुरानी तकलीफें भूलकर नए संकल्प के साथ बाहें पसारे नए साल के स्वागत की तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार नए साल को लेकर ढेर सारी चिंताओं के बीच ये दिन आया है। चिंता कोविड की तीसरी लहर की है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक, यूपी से राजस्थान तक, गुजरात से बिहार तक कोरोना के केस की बाढ़ आने लगी है। दिल्ली में पिछले तीन दिनों में कोविड केस लगातार बढ़े हैं। कल राजधानी में कोविड के 1313 नए केस दर्ज हुए हैं। 26 मई के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस हैं। पॉजिटिविटी दर 1.73 पहुंच गई है, यानी लगातार दो दिनों से पॉजिटिविटी रेट 1% से ज्यादा है। दिल्ली सरकार के ग्रैप नियमों के मुताबिक आज कोविड अलर्ट के स्तर पर लेवल 2 यानी एम्बर अलर्ट किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि पूरे देश में केसेस बढ़ रहे हैं। लगभग पिछले हफ्ते में जैसे पूरे देश में डबल हुए बॉम्बे में और दिल्ली में, क्योंकि टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा, तो ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है सारे जगह ही बढ़ रहे हैं। ये जरूर लगता है कि ओमिक्रॉन ही लग रहा है इसकी वजह। 46% तो पहुंच ही चुका है जी। और ये जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ऐसा लगता है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र एक बार फिर कोविड के गंभीर संकट से जूझ रहा है। कल एक बार फिर महाराष्ट्र में कोविड के रिकॉर्ड मरीज आए हैं। कल महाराष्ट्र में कोविड के 5368 नए केस आए हैं। 22 लोगों की इस महामारी से मौत भी हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कल 1193 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे हैं। पॉजिटिव संख्या बढ़ने की जो गति है वो बहुत ज्यादा है और दो दिन में आंकड़ा डबल हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह चिंता बढ़ाने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में भी कोविड मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल यूपी में 193 नए मामले आए हैं, इससे सक्रिय केस 645 तक पहुंच गया है। केसेस में अभी गिरावट तो नहीं आ रहा, केसेस तो अभी बढ़ रहे हैं। क्या नाइट कर्फ्यू कारगर लग रहा है आपको? नाइट कर्फ्यू अभी और थोड़ा सख्ती करना पड़ेगा और उसके साथ हमको जागरूकता पैदा करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं जनपद स्तर पर भी, कि हर आदमी मास्क लगा के बाहर निकले, अपनी सफाई रखे घर में और बाहर में, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। कोविड केस बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड के 2128 नए केस आए हैं। अकेले कोलकाता में 1090 कोविड के नए मरीज निकले, यानी दिल्ली मुंबई की तरह कोलकाता भी कोविड से प्रभावित महानगर बन गया है। बिहार में कल 132 नए मरीज सामने आए हैं, इसे मिलाकर बिहार में एक्टिव केस की संख्या 333 हो गई है। राजस्थान की बात करें तो कोरोना के 252 नए मरीज आए, सूबे में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव 773 हो गए हैं। देश में इस वक्त करीब 82,000 एक्टिव केस हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.92% हो गई है। यकीनन ये चिंता की बात है। आज तक ब्यूरो। इस परिस्थिति में एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है और खासतौर पर मास्क पहनना, लगातार हाथ धोते रहना और उचित दूरी बनाकर रहना आपकी सुरक्षा बेहद जरूरी है।